गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू वर्ड सक्सेस चैनल में। IBPS और RBPO क्लर्क के टू डू लिस्ट का आज डे 25 है, जो कि हमारा 45 डेज स्टडी प्लान चल रहा है। आई होप कि आप अपना 100% स्टडी प्लान पे दे रहे हो। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, और जो बच्चे स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे डेफिनेटली सफलता उन्हें ही मिलेगी। क्योंकि आते तो बहुत है, भीड़ बहुत होती है, बट मंजिल तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। मंजिल तक वही पहुंचेंगे जो कि पूरी मंजिल सफर करेंगे। यदि आप पूरे टू डू लिस्ट को डे फर्स्ट से लास्ट तक एंड कर दो, डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन आपकी पक्की है। चलिए टू डू लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, जो कि आज मैंने पढ़ा, मुझे डेफिनेटली ये कोट बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो चलिए आपको मैं सुनाती हूँ। जब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे मोबाइल नंबर जैसा ना दिखने लगे। नहीं, जब तक हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा मतलब कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, क्योंकि मोटिवेशन करता है, तो ये चीज़ मोटिवेशन ये चीज़ करेगा कि हमें कि हमारे बैंक बैलेंस हमारे मोबाइल नंबर जैसे 10 डिजिट का होता है ना, तो मुझे उस तरह हमारे बैंक बैलेंस दिखेगा। मेहनत क्यों करता है? यदि हम भी आज बैंकर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? पैसों के लिए, ताकि अच्छे इनकम होगी तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो हम सारे फैसिलिटी सारे सुख हमें भी अच्छी होगी, और आने वाले हमारे जो जनरेशन है जो हमारे आने वाले जनरेशन होगी उनको भी हम अच्छे से कर दे पाए जिंदगी। इसीलिए हम लोग भी मेहनत करते अपने लिए, अपनों के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं ना, अपने हम सब फैमिली वाले के लिए करते हैं। तो आप ये सोचो कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्यों कर रहे हो। डेफिनेटली आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। यदि आपका मन नहीं लग रहा है ना पढ़ने में, आप थोड़ी देर अपने माँ पापा की ओर देखो, डेफिनेटली आपका ऑटोमेटिक मन करेगा पढ़ने का कि हम आखिर पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा के चेहरे देख के आपको डेफिनेटली पढ़ने का मन करेगा। चलिए टू डू लिस्ट पे चलते हैं। आज की ये टू डू लिस्ट हमें हम पर डे मॉर्निंग में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख पा रहे होगे कि यदि आप पर डे इतने कर रहे हो ना, आपकी स्पीड अभी तक बहुत अच्छी हो गई है। मैं 1 आवर देती हूँ, बट आप इतने करने में, इतने दिन से हम कर रहे हैं, आज 25 डेज है, मतलब कि हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। 45 डेज स्टडी प्लान है तो 25 हमारा हो चुका है। अभी तक इतने क्वेश्चन को करने में जो हमारा 1 आवर पहले जाता था, अब मुश्किल से हाफ आवर आपका जा रहा होगा। टाइम आपका डेफिनेटली डिक्रीज किया होगा, आप कम समय में कर पा रहे हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना, पर डे कर रहे हो ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से आप कम समय में 10 क्वेश्चन मुश्किल से 4-5 मिनट में आप कर पाओगे। चलिए, तो इतना ये पर डे, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, जब तक हम बैंकर नहीं बन जाते ना, तब तक हमें ये पर डे करना है, ये टॉपिक को कभी नहीं मिस करना है, और ये न्यूज़पेपर को भी, न्यूज़पेपर पर डे के लिए हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए, कि पर डे हमें लत हो जानी चाहिए कि हम न्यूज़पेपर को पढ़े ही पढ़े। ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी इसलिए क्योंकि हमारा RRB का एग्ज़ाम है, तो हमें मेंस में हिंदी भी देखने को मिलता है, बहुत बच्चे हिंदी भी लेते हैं, तो इसलिए आपको हिंदी का ये संपादकीय पेज होता है वो आपको रीड करना, और इंग्लिश में आप एडिटोरियल पेज करो, या फिर और कोई भी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपको यदि क्रिकेट में है तो आप क्रिकेट वाला न्यूज़ पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ सकते हो, जो भी पॉलिटिक्स न्यूज़ पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में पॉलिटिक्स उतने अच्छे से आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि पॉलिटिक्स से उतना ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आपको वर्ड कलेक्शन करना है, जो कि आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती है उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको करेंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊंगी, आ जाओ तो वीडियो सोर्सेज से करो या फिर PDF सोर्सेज से करो। PDF सोर्सेज से आप हमारे ज्ञान निधि साइट या ऐप किसी पे भी जाके आप वीडियोस, आप हमारी कोर्सेज करेंट अफेयर की आपको एक दिखेगी, आप उसे देखो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा वो कोर्स, आप बाय कर सकते हो, वहाँ से प्रिपरेशन अपना कर सकते हो, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलेगी आपको। उसके बाद आपको एक सेट हिंदी की करनी है, हिंदी की प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेंस में हिंदी है,
हम प्री से मेंस तक की प्रिपरेशन करते हैं ना, इसलिए हमें एक सेट क्या करना है, हिंदी की। हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट पर डे एक सेट आप प्रैक्टिस लगा और आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे ही आप देखोगे 30+ मार्क्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले 20+ आ रहे थे, अब 30+ आ रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग में हम 2 आवर देते हैं, क्योंकि 2 आवर हमारा इसीलिए है क्योंकि हम हर एक टॉपिक को क्या करते हैं, रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमारा हो चुका है, तो इस टॉपिक को अब हम क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। इंक्वायरिटी के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने में आपको कितना, मोस्टली से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इंक्वायरिटी के 10 क्वेश्चन। यदि आप अभी रिवीजन कर रहे हो ना, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया है ना, तो आप 3 से 4 मिनट में आराम से 10 क्वेश्चन कर पाओगे। और मैंने आपको वीडियो तो करा ही रखा है, आप वीडियो से तो आपका सारा कंप्लीट है ही, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 10 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिलेबस में 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, और पजल आपको प्री के करने हैं, वो भी 4 से, ठीक है। और आप वीडियोज भी देखो, मैं आपको पजल करवा रही हूँ, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको कंसेप्ट उससे पता चलेगा कि कैसे कंडीशन को नोट करना चाहिए और कंडीशन को हम कैसे मर्ज करते हैं, ये आप वीडियो से सीखोगे, ठीक है। तो आपको वीडियो भी एक पर डे देखनी है, उसके बाद पजल आप मेंस की से वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो देख के अभी से आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, हम प्रैक्टिस वीडियो देखोगे तो साथ ही साथ प्रैक्टिस तो हो ही रही, क्योंकि आप सीख भी रहे हो ना, क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर रहे हो ना, तो अभी मेंस की आप सिर्फ वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हमारी आती है डीआई की, डीआई 5 सेट हमें करना है, डीआई 5 सेट करना है, वो भी आपको प्री की करना है और आपको वीडियो एक देखनी है, ठीक है, वीडियो से कंसेप्ट सीखना है आपको। उसके बाद डीआई 1 सेट करना है, ये मेंस की है, ठीक है, ये आपको मेंस की है जिसकी वीडियो आपको सिर्फ देखनी है, डीआई 1 मेंस की वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको इंग्लिश में 1 आवर के लिए टेंस, जो कि आप टेंस प्रैक्टिस, टेंस की जो जितनी भी कंसेप्ट किए हो, तो आज आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टेंस के, ठीक है। और आरसी 1 सेट आपको प्री लेवल के करने हैं, 12 सम्बल आपको 1 सेट मेंस लेवल के करने हैं। ये हमारा अल्टरनेट डे चलता है, एक दिन हम लोग प्री की करते हैं, एक दिन हम लोग मेंस के करते हैं, तो आज आप आरसी प्री के करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिविजन करना होता है। इवनिंग में हम वो कैप, जो कि मॉर्निंग में हम वो कैप पढ़ते हैं, उसका हमें रिविजन करना है। उसके बाद करेंट अफेयर, जो कि हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो उसका एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करना है। तो आपको जो हमारी कोर्सेज है उसमें आपको एमसीक्यू के थ्रू भी और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, तो आप उस कोर्स को जाके बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको कंप्यूटर अभिषेक सर, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ज्ञानीति यूट्यूब चैनल पर जो अभिषेक सर आपको करवाते हैं कंप्यूटर की क्लासेस, वो आपको फॉलो करना है, उसी से आपकी थ्योरी और या आपका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर बेस सारे वो करवाएंगे, मेंस तक डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस में आपको डिजिटल बैंक आस करने हैं, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे ज्ञान नीति ऐप या साइट पर जाओ, वहाँ पर आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस के हैं, इसमें आपको बैंकिंग की हिस्ट्री, फंक्शन, स्ट्रक्चर सारे बहुत डिटेल में दिए हुए, बहुत अच्छे हैं, और बायलैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर के लिए जो मैं बता रखी थी वो ये कोर्स है, आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, आप जाके एक बार जाके देखो, ठीक है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ है। उसके बाद कंप्यूटर की यदि आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप इस कोर्सेज को बाय कर सकते हो, इसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मेंस लेवल के हैं, मेंस के क्वेश्चन हैं, और ये बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, और लेटेस्ट पैटर्न बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके IBPS, RRB, PU एंड क्लर्क दोनों मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आप जाओ एक बार और जाके ये सारे कोर्सेज को देखो, और यदि आपके लिए हेल्पफुल है डेफिनेटली, और बहुत मिनिमम प्राइस है, प्राइस आपको हाई नहीं मिलेंगे, आपको और साइट से आपको यहाँ पे मिनिमम प्राइस ही दिखेंगे, ठीक है। और आपको IBPS, RRB, PU एंड क्लर्क के मॉक टेस्ट भी दिखेगा, जो कि आप जाके मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये टू डू लिस्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको कितना हेल्पफुल है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।